हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आप कमेंट करेंगे उसमें मैं अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करके लेके आऊँगा, नए नए टॉपिक पे लेके आऊँगा ताकि आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आज का जो टॉपिक है वो है हेनरिच का पिरामिड। हेनरिच का पिरामिड क्या है? हेनरिच एक सिद्धांत दिए थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ नियर बींस और इंपॉर्टेंस ऑफ अनसेफ एंड एट अनसेफ कंडीशन। एक पिरामिड उन्होंने दिया, इसको उन्होंने पहले अनसेफ एक्ट, फिर नियर मिस, फिर आपको माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी एंड ये इसमें इन्होंने नंबरिंग दिया। ये इन्होंने लिखा अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। इन्होंने बोला नियर मिस, माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी एंड फैटलिटी। ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही है। जैसे कि इन्होंने बोला कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन 3 लाख, अगर 3 लाख अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन अगर रिपोर्टिंग होता है और उसका हम प्रिवेंटिंग या करेक्टिव एक्शन जो होता है वो अगर हम ले लेते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम बचा सकते हैं, ये होने से इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम पार्टिकुलरली अगर पहले स्टेज में ही, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, अगर क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट क्या होता है, आपको ये जो प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट एरिया यूसी, ये दोनों जब मिलता है तब एक्सीडेंट होता है। तो इसी तरह अगर हम दोनों को अगर प्रिवेंट कर लेते हैं तो ये बाकी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहां भी थोड़ा बहुत अगर केयरलेस होते हैं तो क्या होता है, 600 नियर मिस होता है। अगर यहां तक अगर हम रिपोर्ट करते हैं और उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग एक्शन ले लेते हैं तो क्या होगा, हम आने वाले माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी एंड फैटलिटी को हम बचा सकते हैं। आप देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये नियर मिस तक हमारा लीडिंग इंडिकेटर होता है, इसके बाद अगर यहां भी अगर हम कहीं ना कहीं लैप्स कर जाते हैं, यहां भी अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसका करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं और प्रिवेंटिंग के लिए अगर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इट कैन बी लीड फॉर द माइनर इंजुरी, मेजर इंजुरी एंड फैटिलिटी। तो ये पिरामिड में उन्होंने बताया कि अगर हमारा रिपोर्टिंग हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आने वाले एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं, आने वाले माइनर इंजुरी में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट केस, लॉस्ट टाइम इंजुरी, परमानेंट, बहुत सारे इंजुरी उसमें हो सकते हैं, तो इसको हम बचा सकते हैं। अगर यहां भी अगर हम कहीं चूक जाते हैं तो हम इट कैन बी लीड फॉर मेजर इंजुरी, परमानेंट डिसेबिलिटी, अदरवाइज फैटिलिटी। तो ये हेनरिच का एक सिद्धांत था, उन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा कि हम कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये उनका एक जस्ट सिद्धांत था, इसीलिए मैं आपको एक हेनरिच का पिरामिड इसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है सारी चीजों को रिपोर्ट करना, नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। तो दिस इज द रीजन, यही रीजन है और यही हेनरिच का पिरामिड बोलता है कि आपको अगर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है तो जो पहला स्टेप है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, सेकेंड स्टेप है नियर मिस, उसको आप रिपोर्ट करें और उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग एक्शन लें। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।